बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिनके जाने के बाद उनके जन्मदिन के मौके पर कई सारी खबरें सामने आई। सुशांत जिन्होंने 14 जून 2020 को दुनिया को अलविदा कहा, सुशांत को दुनिया को अलविदा कहे हुए 7 महीने का वक्त बीत चुका है। इस 7 महीने के बीच कितनी सारी खबरें सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार सुशांत से जुड़ी हर एक अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत से जितने भी जुड़े हुए लोग थे उनकी भी खबरें सामने आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में अगर कोई है तो वो है रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत के आखिरी वक्त तक गर्लफ्रेंड थी। रिया चक्रवर्ती जिन्हें लेकर हर एक खबर वायरल हो जाती है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले बीच सड़क पर बांद्रा के रोड पर गुलाबों के फूल खरीदती हुई नजर आई थी, जहां पर उन्हें कैप्चर भी किया गया था, स्पॉट किया गया था, लेकिन यहां पर वो फूल खरीदने के बाद वापस चली गई थी। लेकिन सभी को ये लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती अगर सुशांत के जन्मदिन से पहले इन गुलाबों के फूलों को खरीद रही है तो शायद वो सुशांत के जन्मदिन के लिए खरीद रही है या सुशांत के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती है उसकी याद में, उसके जन्मदिन के खास मौके पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुशांत के जन्मदिन पर सुशांत के एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, सुशांत के जन्मदिन पर सुशांत की बहनें, सुशांत के पिता, सुशांत के दोस्त, इन सब से जुड़ी खबरें सामने आई, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बर्थडे पर कुछ स्पेशल किया हो। ऐसे में जो फूल रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के जन्मदिन से पहले खरीदे थे उस पर सुशांत के फैंस खड़े कर रहे हैं सवाल कि आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उनके जन्मदिन पर याद नहीं किया। क्या रिया चक्रवर्ती वाकई सुशांत को भूल चुकी है? क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। दिल के दरिया में धड़कन की कश्ती है, ख्वाबों की दुनिया में यादों की बस्ती है, मोहब्बत के बाजार में चाहत का सौदा है, वफा की कीमत से तो बेवफाई सस्ती है। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा, जिन्हें दवा था वफा का उन्हें भी हमने बेवफा देखा। ये शायरी किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है जिसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सवाल उठा रहे हैं। समझ गए होंगे आप सब, हमारा इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती जिन्हें लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड ड्रग केस की वजह से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अब धीरे धीरे अपने करियर को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही है। रिया चक्रवर्ती धीरे धीरे सदमे से बाहर निकल रही है और अपने घर से भी। कुछ समय पहले ही रिया चक्रवर्ती को मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया था। रिया चक्रवर्ती अपने घर के बाहर फूलों की खरीदारी करने पहुंची थी। इस दौरान रिया चक्रवर्ती की कई सारी तस्वीरें सामने आई। रिया चक्रवर्ती को फूलों की खरीदारी देखकर फैंस ने कयास लगाए कि लगता है कि सुशांत की याद में सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के मौके पर रिया चक्रवर्ती जरूर कुछ खास करेगी, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती सुशांत की याद के लिए उसके जन्मदिन के लिए इन फूलों को ले जा रही है। फैंस ये जानना चाहते थे कि आखिर रिया चक्रवर्ती सुशांत के जाने के बाद सुशांत के जन्मदिन को किस तरह सेलिब्रेट करेगी, आखिर क्या करेगी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस बार उनके जन्मदिन पर खास, ये जानना चाहते थे सुशांत के फैंस। लेकिन अब जब सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन बीत चुका है, सुशांत से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ चुकी है, लेकिन अब सुशांत ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती जिसने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ये फूल आखिर किसके लिए लिए। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती जो कैमरे को इग्नोर करती नजर आई और रिया चक्रवर्ती फटाफट वहां से निकल गई। इस दौरान रिया चक्रवर्ती ने ग्रे कलर का टॉप और ब्लैक पैंट पहनी थी। खुद को कोरोना से बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने चेहरे पर मास्क भी लगाया था। कुछ समय पहले ही रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोभिक के साथ भी स्पॉट की गई थी, जिनकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। इन दिनों रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया से गायब हो चुकी हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने के बाद रिया चक्रवर्ती अक्सर ट्रोलिंग का शिकार होती है।
इस दौरान रिया चक्रवर्ती बार बार अपना मास्क ठीक कर रही है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रही है। कुछ समय पहले ही रिया चक्रवर्ती को जेल से जमानत मिली थी और जमानत के बाद कई बार रिया चक्रवर्ती को मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए स्पॉट किया गया। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती को सुशांत के बर्थडे से एक दिन पहले देखा गया था कि वो बहुत ही जल्द सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर उनके लिए कुछ खास करने वाली है, तो ऐसे में सुशांत के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि आखिर अब क्या होगा, ये जानने के लिए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और सुशांत की ये गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती आखिर क्या करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर सुशांत से जुड़े जितने भी लोग थे सब ने अलग अलग तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए बर्थडे अलग अलग तरीके से मनाया। अलग अलग तरीके से सब ने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी। लेकिन ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खबर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जिन्होंने कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए उनके बर्थडे पर कुछ खास करेगी, लेकिन रिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अब रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिया ने ऐसा क्यों नहीं किया और रिया आखिर वो फूल लेकर गई तो किसके लिए लेकर गई और रिया चक्रवर्ती अभी तक आखिर सामने क्यों नहीं आई। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती को लेकर कि किस तरह रिया चक्रवर्ती भूल चुकी है सुशांत को और सुशांत के जन्मदिन के इस मौके पर भी रिया चक्रवर्ती ने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं किया जिससे सुशांत के फैंस को लगे कि वाकई रिया सुशांत से प्यार करती थी, बल्कि रिया सुशांत को पूरी तरह से भूल चुकी है और अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन सवाल अब भी ये बरकरार है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने वो जो गुलाबों के फूल लिए थे वो किसके लिए लिए थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।